अब हम बाजू की सिलाई लगाएंगे, बाजू को तैयार कर लेंगे। चाहे किसी बड़े के हैं या छोटे के हैं, अगर तो सिंपल स्लीव्स हैं, सिंपल बाजू हैं, तो वो हमेशा इसी तरीके से रेडी होंगे, जैसा कि मैं आपको पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब हम इसी तरीके से दूसरा बाजू रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहां पर इसको डबल सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमेशा एज पर लगती है। इसी तरीके से अब हम दूसरे बाजू को लगाएंगे। ये देखें, अब मैंने बाजू को रेडी करके आपको बता दिया है, लेकिन मैंने यहां पर फिटिंग का निशान अभी नहीं लगाया, क्योंकि इसका जो हम लोग निशान लगाएंगे वो शर्ट की फिटिंग के मुताबिक लगाएंगे। फिर यहाँ पर जितना आपको रखना है, अगर हम अंदाजे से रखना चाहें तो ऐसे, और ये पोर्शन हम शोल्डर्स वाला शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब हम इसके बाजू साथ अटैच करेंगे। ये देखें, अब इस तरीके से हम इसके बाजू को साथ अटैच कर देंगे। मैंने ऐसे आपको रफ सा रख कर दिखाया है। अब ये बाजू हमने थोड़ा सा बड़ा रखा था, हमने तकरीबन इतना रखकर यहाँ पे एक टुक लगा लेना है, और जो बाकी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने यूँ चुनर डालनी है, और थोड़े से डिज़ाइन वाले बाजू कट हो जाएंगे चुनर पर, बाकी इसके साथ अटैच ऐसे ही हो जाएगा। ये देखें, ये हर मशीन को लगा होता है, ये इसकी चाल को या जो इसकी सिलाई है उसको बड़ा छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊँगी, आपका जिस तरफ भी होता होगा आपने उस हिसाब से कर लेना है। इससे अब इसकी मशीन की चाल जो है वो बड़ी हो जाएगी, ताकि आसानी से मैं चुनट डाल सकूँ। अब ये देखें, चाल बड़ी होने के बाद आसानी हम चुनट डाल लेंगे। ये देखें, इस तरह मैंने गुलाई में इसको चुनट डाल लिया। सेम इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी तरफ भी चुनट्स डाल लूँगी। अब ये देखें, हमने चुनट डाल ली। चुनट डालने के बाद आप एक धागे को पकड़ लें, नीचे वाले मैंने धागे को पकड़ा है, आपने यूँ हल्का हल्का इसको करते जाना है। ये आप चाहे बच्चों का है, आप चाहे चेस्ट के साथ जो कपड़ा हम यॉक से डालते हैं उसमें भी आप चुनट, सेम इसी तरीके से आपकी चुनट आती है। इसे हम फ्रॉक वाली चुनटे कहते हैं, जैसे वो बेबी फ्रॉक बनाते वक्त हम चुनट्स डालते हैं, सेम ये वही है। चाहे आप किसी बड़े बच्चे के कपड़ों में डालें या किसी बड़ी लड़की के बाजुओं पे डालें, चुनट का तरीका सेम यही होगा। ये देखें, आप जिस तरह मैंने आपको समझाया था, ये चुनट्स आ गई, ये इस वाले हिस्से के साथ जुड़ेंगे ऊपर वाले, और यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा देंगे फिटिंग वाली। इस तरह इसको पक्का करके आपने इसको सिलाई लगा दी। ये आपका बाजू रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे बाजू को फिटिंग लगा दूँ। ये देखें, अब इस तरह हमने शर्ट को उल्टा कर लिया या फ्रॉक को। मैं आपको अपनी पहले बहुत सारी वीडियोस में बाजू लगाने का तरीका सिखा चुकी हूँ। इस तरह हमने इसको उल्टा कर लेना है और इसको हमने सीधा कर लिया। आप इस तरीके से इसको अटैच करेंगे, सीधे को अंदर बाजू को इस तरह आपने ले जाना है। इस तरीके से आपने इसको इस तरह कर देना है और दूसरी वाले को इस तरह कर देना है, और इसको हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगानी है। अब आपने किस कपड़े को छेड़ना नहीं और ना इसकी चुनट को, ये अपने आप तरीके से आपने जैसे आम बाजू लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आपने
उसी चुनट के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरे बाजू को भी सिलाई लगा लेंगे। ये आपके दोनों बाजू अब रेडी हो गए। ये आप देखें व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि बाजू किस में कितनी खूबसूरत सी चुनेट आ गई है। ये चीज़ आप ये देखें व्यूअर्स, ये मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ। सेम उसी तरह इसकी फ्लफी लुक आई है। अब हम इसकी मगजी लगाएंगे और ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। देखें अब इस तरीके से हम इसकी जो विंग्स हैं फ्रॉक की उसके ऊपर ये डोरी लगाएंगे। आप इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बगैर पाइपिंग के इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, इस तरीके से आप इस तरीके से आप इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इसको आपने खींचना नहीं है, हल्के हाथ से बस इसको लगाते जाना है। इस तरीके से आपने ये देखें, अब हम इसकी दूसरी तरफ भी उसी डोरी के दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। ये देखें अब आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमारी ये फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई है, ये बटरफ्लाई फ्रॉक। ये देखें अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। ये अब आप इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बटरफ्लाई फ्रॉक बनाने का डिज़ाइन समझ आ गया होगा। या आप इसके बाजुओं पर इसकी फॉल भी चेक कर सकते हैं। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी ये फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका कटिंग का मेथड और स्टिचिंग का मेथड समझ लिया होगा और आपको नहायत ही आसान लगा होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ, नए स्टाइल्स के साथ और नहायत ही आसान इजी मेथड्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस के साथ आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।